सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? मैं सोनिया, नसीन खाला की बेटी। वो किंजा भी नहीं आई आपके साथ, नजर नहीं आ रही। मैं दरअसल यहाँ किसी जरूरी काम से आया था। अच्छा, नसीन खाला कैसी है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नौकरी के लिए आई थी, मगर बात नहीं बनी। वो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे एक और जगह बुलाया, बस वहीं जा रही थी। यहाँ करीब ही है, बस मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप फिलहाल वजह तकलीफ करेंगे। मेरे साथ चलो, इस तरह जल्दी पहुंच जाओगी और घर से इस तरह अकेले मत निकला करो। बस सुहेल भाई, वो मजबूरी की वजह से निकली थी, वरना मुझे शौक थोड़ी है। मजबूरी? वो बाकी की बातें मैं आपको गाड़ी में बताती हूँ ना, चलें फिर, मैं लेट हो रही हूँ। आओ आओ। शुक्र है किसी ने पूछा ही नहीं कि इतनी देर कहाँ थी, वरना अम्मा के तो हजारों सवालात होते। समोसों की पट्टियाँ और फलक के साथ मगज मारी, लगता है आज बहुत मसरूफ हैं। वैसे सुहेल भाई कितने खुले दिल के हैं, इतने सारे पैसे दे दिए मुझे। कम से कम उस किंजा आपी से तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे सोनिया, क्या बात है तेरी, तेरे तो बात ही निराली है, जादू है तेरी जबान में। वैसे अगर ये जादू सब पर चल सकता है तो ये सुहेल की चीज है। खैर, पैसे मिल गए तो ये शॉपिंग करूंगी, उसको देख ना ले। यस।